बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अजर अता करे। दोस्तों, सर्दियों की आमद आमद है और बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो बहुत लंबे अरसे से अस्थमा के पेशेंट होते हैं। उनको जूं ही सर्दी लगती है तो फिर उनका सांस का प्रॉब्लम जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है, और जूं ही टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है तो फिर उनका जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनका जो सांस लेने का प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा आस्ता आस्ता बढ़ जाता है, क्योंकि वो लंबे अरसे से इस बीमारी के में जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और फिर उनको जितनी भी मेडिसिन खिलाई जा रही होती हैं वो आर्दी अफाके के लिए होती हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशन में होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन जो है वो असरात मरतब करती है, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसका नाम क्या है, और ये आपको कहाँ से मिलेगी, और इसमें जो मौजूद मेडिसिन है आपकी बॉडी पर क्या असरान मरतब करती हैं, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में अपने दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा। जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बरवक्त मालूमात के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपको सदका जारिया के तौर पर सवाब भी ज़रूर मिले। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका नाम है डॉक्टर रेक्वेज नंबर 43। बहुत इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये मेडिसिन 4 से 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का मजमूआ है, और ये मेडिसिन जो है अस्थमा के बहुत सारे पेशेंट को यूज़ करवाई जाती है। और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो अलामत हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आमतौर पर जो जितने भी दमे के मरीज़ होते हैं उनको ये कोशिश की जाती है कि उनको आर्जी तौर पर ऐसी मेडिसिन दी जाए कि उनको फौरी तौर पर अफाका होना शुरू हो जाए। उनको अफाका तो हो जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो मेडिसिन काम करना छोड़ देती हैं और सर्दी ज़्यादा होती है, टम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, और जब उन मुख्तलिफ इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर टम्परेचर पहले से ही कम होता है, स्पेशली शुमाली इलाका जात में और कश्मीर और नादरन रियाद में जितने भी ये लोग होते हैं, और अगर वहाँ पर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो फिर उनके लिए ये मसला जो है वो गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर रेक्वेज नंबर 43 बहुत ही लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन है। 3 से 4 होम्योपैथिक मेडिसिन का ये मजमू है, और ये मेडिसिन आप डॉक्टर रेक्वेज नंबर 43 में आप डिटेल से चेक कर सकते हैं कि उसमें ये मौजूद होती हैं, और ये आपके अस्थमा के लिए और आपके प्यारों के अस्थमा के लिए बहुत ही लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती हैं। सबसे पहली और इन जो इसमें मेडिसिन शामिल है, सबसे बेहतरीन सबसे लाजवाब मेडिसिन जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत सारी इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है, बहुत सारी वायरल बीमारियों के खिलाफ ये यूज़ होती है, बहुत सारी चौरानिक बीमारियों के खिलाफ ये यूज़ होती है, इसलिए आर्सेनिक एल्बम जो है अक्सर मेडिसिन में आपको नज़र आएगी, और अक्सर मेडिसिन की कम्बिनेशन में आपको आर्सेनिक एल्बम जो है वो अक्सर नज़र आती है, और बहुत सारे कम्बिनेशन में ये पाई जाती है। हाँ, वो किसी भी कंपनी की हो और किसी भी चौरानिक बीमारी के लिए अक्सर अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको ये मेडिसिन ज़रूर मिलेगी। आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा बेचैनी, दैनिक तकालीफ, चौरानिक बीमारियों के लिए, लंबे मियाद वाली बीमारियों के लिए, और इसके साथ साथ वो बीमारियाँ जो बहुत जो है वायरल हो जाएं, बहुत ज़्यादा जो है ना इन्फेक्शन बन जाएं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके साथ साथ अगली मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है, और स्पेशली सांस की तकालीफ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगली मेडिसिन इसमें है साइना। हवा की नालियों की सोजिश के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन साइना है इसमें, और इसके साथ साथ जो इसमें अगली मेडिसिन पाई जाती है वो जनाब है कालियम फास। कालियम फास भी होम्योपैथिक की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, और ये ब्रेंड टॉनिक भी है, और इसके साथ साथ ये बहुत सारी जो है ये चीज़ों में पाई जाती है। ये एक बायोकेमिक साल्ट है और ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए बहुत बेहतरीन है जहाँ पर आपके असाब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करें, आपको ताकत ना मिलती हो और आप अपने असाब को मजबूत करना चाहते हो, तो उसके लिए काली फास बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है इसमें नैटरम क्लोर। नैटरम क्लोर बहुत बेहतरीन सख्त और तकलीफ दे
झटकों के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, बलगम है, उसके लिए बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये सब मेडिसिन इस डॉक्टर रैक्वे नंबर 43 में मौजूद हैं। और ये डॉक्टर रैक्वे नंबर 43 जो है ये जर्मन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल का कम्बिनेशन है और ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगा। 10 से 15 ड्राफ्ट दिन में 3 से 4 मरतबा अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप महसूस करेंगे कि आप इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जब आप इसमें बेहतरी महसूस करें, आप बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएँ, तो फिर आप इस मेडिसिन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ R14 भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और R3 भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिल की तकलीफ भी हो और साथ दमा भी हो तो फिर ये तीनों मेडिसिन बहुत लाजवाब हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो तमाम दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबका मिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।